अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम इन्फो में खुश आमदीद। आज आपको मैं ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस जमा करवाने का तरीका बताने लगा हूँ। बहुत से लोग इस मामले में बहुत परेशान रहते हैं कि हम कैसे जमा करवाएं और मकतब में ज़्यादा पैसे लेते हैं। आप ख़ुद अपने बैंक अहली इंजाज बैंक या किसी भी बैंक से जमा करवा सकते हैं। जो भी आपके पास बैंक का कार्ड हो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके अंदर से आपको मैं तरीका बताता हूँ। सबका सेम ही तरीका है, बस अभी मैं आपको बैंक अहली के तरीके से आपको समझाता हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है बैंक अहली की। इसको आप ओपन करेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे। ये हर किसी का अपना यूज़र नेम या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे ना, जो आपके पास कार्ड होगा उसके हिसाब से। ये नीचे पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड लिखने के बाद अभी OTP आएगा मेरे नंबर पर, वन टाइम पासवर्ड। ये पासवर्ड मैं यहाँ पर लगाऊंगा। पासवर्ड लगाने के बाद सद्दात में जाएंगे, सद्दात के बाद गवर्नमेंट पेमेंट में जाएंगे। गवर्नमेंट पेमेंट में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखिए सामने आ गया, इसमें जाएंगे। इसके बाद साल सेलेक्ट करेंगे, इशू करवाना है या रिप्लेस करवाना है या आपने न्यू को अपडेट करना है, जो भी आप चाहते हैं। जैसे इशू करवाना हो, रीन्यू करवाना है तो रीन्यू का ये तरीका है। ये नीचे ये सब ऑप्शंस आ रही हैं। ये अभी आपको मैं रीन्यू करने का तरीके ओके किया। कितने साल का आप रीन्यू करना चाहते हैं, इधर अपना इकामा नंबर लिखेंगे, जिसका भी होगा वो अपना इकामा नंबर लिखेगा। अभी ये कोरोना की वजह से आपको मेडिकल भी नहीं करवाना पड़ता। ये देखें इसके अंदर आप, ये देखें आपके पास प्राइवेट है, मोटरसाइकिल है, ये जो भी चीज़ होगी उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास गाड़ी है प्राइवेट, इसलिए मैं प्राइवेट सिलेक्ट किया। इसके बाद ड्यूरेशन आ गया, अभी कितने साल का आप बनाना चाहते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी फ़ीस सामने आ जाएगी। ये 5 साल का सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ये देखिए 200 रुपये आ गया, ये रीन्यू करने के लिए है। 5 साल का रीन्यू हो जाएगा प्राइवेट में, इसकी फ़ीस आएगी 200 रुपया। मकतब वाले आपसे 250 रियाल लेंगे, 300 रियाल लेंगे, ये असल इसकी फ़ीस है। प्रोसीड करेंगे, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ से ये आप कंफर्म कर देंगे, या अगर आप गलती से कोई चीज़ भूल गए हैं तो आप मॉडिफाई भी, इसको बैक भी जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आपको ये अभी कंफर्म करेंगे, आगे चला जाए। ये आपके फ़ीस जमा हो गई है। ओके, थैंक यू।